अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहा है मैं कॉब्रा न्यू वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम आपको सबसे पहले सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि एंडी का गुस्सा, कार्लो का नखरा, विक्टर की क्यूटनेस। एंडी का गुस्सा, कार्लो का नखरा, विक्टर की क्यूटनेस, और सारा जब हस्ती है। वाह 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 वाह, मैं देख रहे हो अल्फाज, मेहनत किया आज की सस्ती शायरी में। तो प्लीज़ ठोक दो लाइक बटन। अर्ज़ किया है, कंप्लीट नहीं हुई, सुन लो पहले। कि एंडी का गुस्सा, कार्लो का नखरा, विक्टर की क्यूटनेस, और सारा जब हस्ती है। गेम तो बहुत पसंद है मुझे, लेकिन पबजी में मेरी जान बसती है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोको मेरी अनोनिमस लाइक बटन। और भाई देखो, मेहनत की है थोड़ी सस्ती शायरी में, तो भाई बनता है, लाइक बटन ठोकना बनता है। मेरी अनोनिमस पब्लिक, आज के गेम प्ले में कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं आज एक नहीं बल्कि दो दो गेम प्ले आप लोगों के लिए लेके आया, क्योंकि मैं कल पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत अल्लाह अकबर तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने गेम प्ले पोस्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं आपके लिए दो गेम प्ले लेके आया हूँ। और एक गेम प्ले में मैंने अपने स्क्वाड के साथ एक चैलेंज किया था कि हम ना ट्राई करते हैं, मतलब हम चार लोग थे, फिर हमने उसमें डिसाइड किया कि 2v2 हो जाते हैं और अलग अलग रश करके खेलते हैं और देखते हैं हम लोग कितने किल्स उठा पाएंगे। और गेस व्हाट पब्लिक, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 43 किल्स किए उसमें, बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग के लिए दो दो गेम प्ले लेके आए मेरी अनोनिमस पब्लिक, होप सबको मज़ा आएगा। तो प्लीज़ स्क्वाड वाइप कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट में आप अटेंडेंस ज़रूर लिखना, और लिखना लाजमी के दिल से अनोनिमस। अगर आप दिल से अनोनिमस कुछ मतलब इस लाइन को, इस लफ्ज़ को थोड़ी इज्जत देते हैं आप, तो फिर लिखिएगा, वरना लाइक आप नहीं लिखिएगा मेरी अनोनिमस पब्लिक। डीपी हमें मिली थी, क्योंकि जब अनोनिमस आता है डीपी तो हाई होता है, एनिमस का बीपी। फ्लेयर गन मिली थी जिसे हम पिचकारी कहते हैं, AKM मिली थी पब्लिक। हम यहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्वाड जाता है साथ वेयर हाउस में, और वेयर हाउस में जाके वो लोग ना कैंप कर लेते हैं गंदे वाला, निकल नहीं रहे थे। और यहाँ पे फिर बॉट वाला सीन चल गया, बॉट्स आ रहे थे, तो भाई हमने बॉट को टैप टैप करके मारा और फिर ना किल कन्फर्म किया। अब वेयर हाउस में से भी बंदे जो बॉट को मारते हैं, गाइस होता है, मतलब अगर आप जॉर्जो रश करोगे ना लाजमी, सॉरी जॉर्जो लैंड करोगे ना लाजमी, ऐसा होता है कि बंदे इस साइड से बॉट्स आ रहे होते हैं, वो रोड के दूसरी साइड से बॉट भाग भाग के जॉर्जो में आ रहे होते हैं, तो बॉट्स आ रहे थे। तो पब्लिक, मैंने तो अपना नॉक और किल कंफर्म कर लिया, लेकिन जो वेयर हाउस में था इन्होंने बेचारों ने नॉक किया बॉट को। अब मैं यहाँ से मारना ही चाहता था और अपनी एमओ ज़ाया नहीं करना चाहता था, ये लोग गंदे वाला कैंप कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने नॉक किया। मैं जैसे ही मारने लगा, फ्यूरी ने किल चुरा लिया, ऐसा गुस्सा आया इनको, और गुस्से में जाना फिर आपको पता है काम हो जाता है ख़राब। अभी हम पोजीशन नहीं देखते, मैं भी आराम से वेट करता, जिन अलग गया हुआ था, हम दो बंदे यहाँ पे रुके हुए थे। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि फाइनली हमारे सबर का फल हमें मिलता है। ये बंदा भाग रहा होता है, इसके बम में मैंने अमार भाई के बम में गोलियां मार के इनको डाउन किया, और फिर फ्यूरी ने एक नॉक कर दिया, सॉरी जिन ने नॉक किया था ये लॉल। फिर यहाँ पे हमने अंदर रश किया, ये बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था, और फिर मुझे लगा नॉक हो गया, लेकिन नॉक नहीं हुआ था, मैंने दोबारा नॉक किया और फिर ये बेचारा यहाँ पे खड़ा था, इसको डाउन किया। तो ऐसे तीन थे, जिब्रान बीबी पता नहीं जलेबी नाम था या बीबी नाम था भाई का, भाई को मारा। उसके बाद पब्लिक क्या होता है कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, बंदे ढूंढते लूट करते करते यहाँ पे मुझे आता है साउंड बंदों का, तो मैंने फ़ौरन से देखा। अब मैं अपने स्क्वाड से अलग हूँ, एक को डाउन किया यहाँ पे, फिर मैंने देखा यहाँ पे बाकी बंदे बैठे हैं, दूसरे को डाउन किया, लेकिन भाई वो देखो ऊपर से ना एम करके टावर में कैंप करके बैठा था भाई। मैंने उनके दो तो नॉक कर दिए, लेकिन वो कैंप करके बैठा था टावर में, एम रखा हुआ था उसने यहाँ पे, उसने फ़ौरन से मुझे डाउन किया। और फिर मेरे टीममेट को बोला कि भाई आप ना मुझे ज़रा रिवाइव दे दो, और मुझे रिवाइव दिया गया, और मेरे टीममेट अजिन आगे चला जाता है। वहाँ पर दो बंदे और होते हैं, क्योंकि चार से दो को मैंने डाउन कर दिया, तो दो बंदे बाकी थे, तो मुझे मिल रहा था रिवाइव, और जिन वहाँ पर नॉक हो जाता है, तो काफ़ी इंटेंस काम हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, देखी जाएगी जो का अच्छे किलो का नाटक, अच्छे किलो का। पहले मैंने अपने को हील किया, हील करने के बाद मैं अच्छे से साउंड ले रहा था, फिर साउंड आता है कि बंदा लेफ्ट से आ रहा है, आगे की तरफ रश किया और फ्री फायर देते देते यहाँ पे फ्री ने इसको डाउन कर दिया था। अब गज इनका जो आखिरी बंदा था ना, वो था जिनके बिल्कुल सामने, मैं क्लोज गया, स्मोक फेंक दी थी उसने, और जैसे मैं क्लोज जाता ना, वो बंदा यहाँ से भाग लेता है। फिर मैंने सोचा भाई भाग रहा तो फ्री उसके पीछे जाता है ढूंढने के लिए, मैं रिवाइव दे देता हूँ अपने टीममेट को, लेकिन वो बंदा भाई पता नहीं कंटेनर में से कहाँ भागा, वो पकड़ा ही नहीं देता, वो पता नहीं कंटेनर में छुप जाता है अल्लाह जाने या कहाँ। तो हमने ना काफ़ी उसको ढूंढा, लेकिन वो बंदा नज़र नहीं आता कि गया कहाँ। तो इनको मारा फिर हमने, और इनकी लूट वगैरह की, दूर तक जाते हैं पब्लिक, हम वेयर हाउस तक जाते हैं, 3 वेयर हाउस तक उसको ढूंढने, कंटेनर सारे ओपन जो होते हैं वो भी चेक करते हैं कहाँ पर है, पर वो एक बंदा हमें नहीं मिलता, तो उस वो ज़ाया हो जाता है। फिर
उसके बाद हम इनकी लूट वगैरह करते हैं जितनी लूट, क्योंकि भाई देखो मेरी टीम में बंदे ढूंढ रहे, तुम ढूंढो, लेकिन लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। ब्रिज से आ रही होती गाड़ी, जैसे ही देखी मैं टावर पर रोक देता हूँ, यहाँ पे हम सब गाड़ी पे स्प्रे देने लग जाते हैं। हम ना तीन बंदे गाड़ी से डाउन कर लेते हैं, तीन बंदे इनके गिराए थे हम गाड़ी से। अब क्या सीन होता है, आखिरी बंदा बचता है और यहाँ मैं इतना कंफ्यूज हो गया था। उसकी वजह यह कि मेरे टीममेट ने ना गाड़ी चढ़ा दी वहाँ पे बंदे के ऊपर, मुझे लगा एनिमी जो है वो मेरा टीममेट है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाऊँगा। लेकिन बोले गाड़ी गुजरी, मैं अपने टीममेट को मारने लगा, मुझे समझ नहीं आई, और फिर ऐसे ना मतलब उसने मुझे डाउन कर दिया, कवर फायर मिला, मैं फ़ौरन से बच जाता हूँ। बड़ा ही फनी सीन हो गया था। तो फिर खैर मुझे रिवाइव मिल जाता है। हम यहाँ पे लूट वगैरह करते हैं, लूट करने के बाद पब्लिक इन घरों में आए थे, जोन के एकदम मिड में थे, तो हमने यहाँ के फ्लेयर चलाई कि भाई फ्लेयर चलाते हैं और लूट उठाते हैं। फ्लेयर चला दी मैंने। अब यहाँ पे क्या सीन होता है पब्लिक, कोई बंदा रश नहीं करता, कोई बंदा नहीं आता फ्लेयर के ऊपर। हमने आराम से फ्लेयर लूटी, फ्लेयर लूटने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ के लेवल 3 की जो व्यू है उसमें बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं, और फिर बंदे ढूंढने लगते हैं पब्लिक। अब क्या होता है, अनोनिमस की पब्लिक इस मैच में सेफ खेली हुई थी पब्लिक, तो वो हमें मिलते हैं, हम उनसे मीटअप भी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सांप, सर जी हमने तो आपको देखा है नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और भाई किल फील्ड में नाम आ रहा है, हमसे देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे पब्लिक में इसकी लूट वगैरह कर रहा होता हूँ। एक जो और बंदा होता है ना, मतलब चार मीटअप वाले थे, तीन हम, अब बचा एक। मैं जा रहा होता हूँ लूट करने के लिए, वापस आया तो भाई साहब मुझे बॉडी शॉट मारेंगे कार्ल एंट्रीट का। अच्छा जी आपने गुदगुदी कर ली, अब हम आपको बताते हैं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी पहुंचाया, और उसके बाद की मजे से लूट। और भाई साहब ने तो बॉडी शॉट मारा, हेड शॉट मारते और स्प्रे देते तो शायद मैं नॉक फिनिश भी हो जाता, लेकिन नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पैन फाइट की जाए, तो फिर 3v4 की पैन फाइट शुरू हुई। तीन बंदे थे हम और चार बंदे थे हमारे जो पब्लिक है, तो हमने पैन फाइट की भाई लोगों से। और गैस करो गैस क्या हुआ, हम लोग जीते होंगे या भाई लोग जीते होंगे, 3v4 की फाइट आई। मैंने कालिया भैया के बम पे मैंने मारा, लेकिन कालिया भैया जो है वो बच गए, और कब तक बचेंगे, लेकिन कालिया भैया फाइनली नॉक हो जाते हैं, लेकिन मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरे भैया के पास जाते हैं टारगेट करने उनको, फिर दूसरे भैया की बम में गोली मार दी। अब 2v3 की फाइट है, हमने दो नॉक कर दिए पब्लिक इनके, और ये मैं नॉक हो जाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी। और यहाँ पर ना फ्यूरी नेट निकाल लेते गलती से, फिर मैंने उसको बोला भाई नेट निकाल लिया, भाई ने तो भाई फिनिश ही किया मुझे, जब तक मैं फिनिश नहीं हुआ भाई ने तो छोड़ा ही नॉक। तो फिर हमारे ने गैस यहाँ पे क्या होता है कि तीन उनके नॉक हो जाते हैं, दो हमारे नॉक हो जाते हैं, और फिर फाइट चली जाती है 1v1 की, फिर यहाँ पे नॉक हो जाता है, और जिनकी भी हेल्थ देखो अब 1 HP रह जाती है। लेकिन ये फाइट जिनने यहाँ पे निकाल ली, और ऐसे में विनर विनर चिकन डिनर मिल गया। पब्लिक इस मैच में हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2v2 उतरेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा किल करता है, ये हमारा चैलेंज हो गया था इस मैच में। तो मैं काफ़ी कट करने वाला हूँ पब्लिक, लंबा करना नहीं है, और यहाँ पर ना अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, मैं सोया नहीं हूँ सारी रात, भूख लग रही है, नींद आ रही है, मुझसे लंबी एडिटिंग होने नहीं वाली, तो मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो कर दूंगा इसको, लेकिन होप्स आपको मज़ा आएगा। पब्लिक हम नहीं जाने का फैसला किया, नोवो मैं और ज़ायरोक थे, जिन और फ्यूरी थे, तो वो लोग जाते हैं मिलिट्री बेस। अब उनको ना वहाँ पे ज़्यादा किल मिल जाते हैं, हमें ना सिर्फ एक स्क्वाड मिलता है नोवो में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनसे पीछे रह जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। हमने फुल अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हमें कितने डिसएडवांटेज हुए। एक बार क्या होता है इस चैलेंज में कि ड्रॉप पे हमारे बंदे नहीं आते, मिलिट्री जाते हैं 3 से 4 स्क्वाड, उनको बहुत अच्छे किल्स मिलिट्री बेस में मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद ना गाइज हमें ना गाड़ी ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, और उनके पास गाड़ी वाड़ी होती है तो उनको किल्स मिल रहे होते हैं। लेकिन एक जगह पे क्या होता है कि 3 स्क्वाड होते हैं और तीनों हमें मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा मज़ेदार सीन हो गया था। तब मुझे एसकेस मिली, ज़ारोक के पास गन थी, तो हमने ऊपर रश कर दिया स्क्वाड पे, 4 बंदे उतरे थे, इनको तो मौका ही नहीं दिया, एक डाउन किया ज़ारोक ने, इसमें अपना नंबर लिखा हुआ भाई, दूसरे को मैंने मारा नीचे गिर गया, तीसरे को ज़ारोक ने डाउन किया। अब इनके दो बंदे बचे हैं जिसमें से एक लो है जिसको मैंने एसकेस से मारा था, तो हमने आगे रश कर दिया पब्लिक, और ये बेचारे जो है ना यहाँ पे लैग हो रहे थे अल्लाह जाने क्या। अब मैं से देखो भाई के ऑफलाइन खड़े हैं यहाँ पे, शायद से इसने भी नंबर लिख रखा था अपना। अब गैस आखिरी बंदा बचा था वो उस तरफ भाग रहा था, तो हमने उसको चेस किया और थोड़ी देर जाके पकड़ लिया, पिस्टल वर्सेस पिस्टल हुआ, और ज़ारोक ने पिस्टल से मारा। और इसके बाद हमने यहाँ पे लूट वगैरह की अच्छे से, लूट वगैरह करने के बाद हमें बंदे ढूंढने जाना था, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 किल मिले थे और वो लोग वहाँ पे काफ़ी बंदे मार रहे थे, तो हमें चैलेंज जीतना था। तो इसलिए हम लोगों ने मेहरान गड्डी उठाई पब्लिक, और हम आ गए थे शेल्टर वाली साइड पे, वो मिलिट्री बेस वाली साइड पे थे दीदी। यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड होते हैं गाइस। अब हमने यहाँ पे पत्थर पे गाड़ी रोकी, एक साइड पे ज़रा डाउन किया, लेटा मैंने उसको डाउन किया, मेरे पास आउट ऑफ गन भी नहीं थी, लेकिन किल के लिए हम लोग आ गए थे फ़ौरन से, अपना किल कंफर्म किया। उसके बाद बोल लीजिए देखो हम 15 से काफ़ी दूर नॉक दिया मैंने, और इनका आखिरी बंदा ये होता है जो दरख्त पे होता है, इसको मारा, और यहाँ पे एक
दो स्क्वाड होते हैं ये ऑल डेड हो जाते हैं, मतलब आपस में भी लड़ रहे थे, हमने ही मार दिया, ऑल डेड हो गए। अब ये तीसरे स्क्वाड के दो बंदे थे वो ऊपर थे, ज़ारोक ने नॉक दिया लेकिन ज़ारोक को भी नॉक पड़ जाता है। अब हम रश भी नहीं कर सकते क्योंकि एक उनका नॉक है एक हमारा नॉक है, तो मुझे रिवाइव देना था। तो पहले तो मैंने ना देखा कि सीन ईजी, रिवाइव का ईजी था, वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे किल्स मिल गए थे, ज़ारोक को ज़्यादा मिले थे पब्लिक यहाँ पे किल, तो वो स्क्वाड उसमें रिवाइव दे रहा था ना, तो फिर रिवाइव उसने भी दे दिया, मैंने भी अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया, उसने फिर से पिक दी, ज़ारोक ने फिर से नॉक किया, और हमने इस बार फैसला किया कि भाई अब उनका नॉक है, हमारा तो है नहीं, चलो रश करते हैं यहाँ से जल्दी से किल उठा के फिर और ज़्यादा किल्स के लिए जाएंगे, ताकि हम एक अच्छे किल्स के साथ जो है ना चैलेंज जीत सकें। उन दोनों ने आपस में किल काउंट करने से कितने, हम दोनों ने आपस में किल काउंट करने थे पब्लिक, तो पहले तो हमने ऊपर रश करने से पहले ही मॉली वॉली कर दी, क्योंकि अगर हम में से एक भी बंदा फिनिश होता है तो हम लोग चैलेंज मुश्किल से जीत पाएंगे, या हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा चैलेंज जीतना। तो पब्लिक अब यहाँ पे ना दो नॉक हो गए बंदे, और ये दो ही थे। अब पता है यहाँ पे हमने चाल क्या खेली, मैं आपको समझाता हूँ। हमें ना जब गाड़ी नहीं मिली ना, तो फिर हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, हमने प्लान, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल और हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, फिर हमने ये प्लान चेंज किया पब्लिक, ज़ारोक अलग गया उस, मतलब हम गाड़ी ढूंढने के लिए ना अलग अलग हो गए थे, वो दोनों साथ में खेल रहे थे, हम दोनों अलग अलग हो गए थे क्योंकि हम अलग अलग एंगल पे गाड़ी ढूंढने चले गए थे, फ्यूल नहीं था, तो ज़ारोक अलग चला जाता है, मैं अलग चला जाता हूँ, हम दोनों को अलग अलग गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और तब से हम अलग अलग खेलना शुरू कर देते हैं। ये अलग बंदे मार रहा होता है, मैं अलग बंदे मार रहा होता हूँ, और इस चक्कर में ना पब्लिक गैस वट हम लोग चैलेंज जाते हैं। देखो ज़ारोक अलग चला गया था, उसको वहाँ पे बाइक या बगी मिलती है, मैं अलग चला गया था, मुझे यहाँ पे गाड़ी मिलती है, उसको मैंने बोला भाई अब तो सोलो खेल, उनके किल्स ज़्यादा हैं, अब बंदे भी कमा लाइव हैं, तो सोलो सोलो खेलते हैं पब्लिक। फिर हम सोलो सोलो खेले, हमने जल्दी जल्दी किल्स उठाए, और उसको अलग किल मिल रहे थे, मुझे अलग मिल रहे थे, वो दो जितनी देर में वो दो बंदे मार रहे थे, हम सोलो सोलो करके किल उठा रहे थे। तो जो रिज़ल्ट आया ना पब्लिक, आप देख के हैरान हो जाओगे, मिलिट्री में उन्होंने ना तकरीबन 10-15 बंदे मारे होंगे, और हमने नोवो में सिर्फ 4 मारे थे पब्लिक। तो फाइनली जो रिज़ल्ट होता है ना, वो ये होता है कि अब बोलूँगा नहीं, आप खुद ही देख लो, एक अच्छी लीड के साथ मैं और ज़ारोक ये चैलेंज जीत जाएंगे। यहाँ पे ज़ारोक ने आखिरी बंदा मारा, और वो दोनों साथ में थे, हम एंड तक अलग अलग जो है ना मारते रहे बंदे, और ऐसे जो रिज़ल्ट आया वो ज़रा आप देखो और आप खुद हैरान हो जाओगे। 14 किल मेरे, 1600 का डैमेज, और जो उन दोनों के किल थे वो आप देखोगे। अभी वो ना पूरे मैच में बड़ी बातें कर रहे थे कि ओए होए तुम हारोगे, हमने बड़े बंदे मार रखे हैं, ये वो, मतलब पूरे मैच में हमें ताने देते रहे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हमारे थे 25 किल्स और उनके थे 18 किल्स, तो हम बहुत अच्छी लीड के साथ जीत गए थे। पब्लिक पता है जब मैच खेल रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम लोग बटे हो, तुम लोग से नहीं मरेंगे बंदे, तुम लोग नहीं मार सकते, ये वो लगे हुए बड़े मज़े से ना तंग करने। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, पता है मैंने लॉबी में इनको क्या बोला, मैं क्या, देखो तुम वो बच्चे, तुम अभी से बातें कर रहे हो, हम ना अपने काम से मतलब इम्प्रेस करते हैं लोगों को, मैच के बाद मिलते हैं। मैंने लॉबी में जब हम लोग काउंटिंग हो रही होती है ना वहाँ पे, तो मैंने ये बात इनको बोली थी, फिर यहाँ के देखा तो हमारे भाई 11 और 14, 25, 25, 10, 35, 35, 8, 43, मतलब 43 किल्स, भाई साहब मज़ा आ गया था, दिल खुश हो गया था। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना पब्लिक। कभी कभी खेलता हूँ स्क्वाड के साथ, होप सो आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अगर कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना मेरी नॉलेज पब्लिक। यार इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर देना, हमारे ना सिर्फ 5000 फॉलोवर्स रह गए हैं इंस्टाग्राम पे, फिर 3 लाख की इंस्टाग्राम फैमिली होगी। आप लोगों में से मुझे बहुत लोगों का पता है, उन्होंने दो दो अकाउंट से भी फॉलो किया होगा, अपनी फैमिली के अकाउंट से भी फॉलो किया होगा, उनके लिए बहुत शुक्रिया, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। लेकिन जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, यार रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो कर लो। बाकी इंशाल्लाह मिलने के नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी नानी, इसके बोलिए आप सबको गिली चुमी, बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।